हर बात बताऊ, हर बात मुद्दा के अपना तक पहुंचाऊ। वार्ड का सड़क बिजली पानी के है अव्यवस्था, वह दिखाऊ। जनता जो कही वह पूर पूर बताऊ, ना लुकवाऊ ना छुपाऊ, सब जो जनता कही वह दिखाऊ। सीधी शहर मां विकास के सिर्फ झूठे वादे कराए जाते। विकास और विनाश के परिभाषा यदि देखी जाए, शहर और गांव के परिभाषा देखी जाए, तो यह खबर जो हम अपना का दिखाऊ, यह अपना के आंखी खोले खातिर काफ़ी है। शहर के स्थिति और गांव की स्थिति में अपना अंदाज़ा लगा ले भी ये खबर से कि स्थिति का ही, सच्चाई का ही, और कड़वी सच्चाई है आए कि लोगन का केवल और केवल लोकतंत्र के या उत्सव के सिर्फ और सिर्फ एक पहरेदार माना जाता है कि तू वोट दे और 5 साल का बिसर जा, पुन 5 साल आई तो वोट दे का पड़ी। ऐसा एक घर दिखाऊ अपना का जो गिर चुका है, पूरी तरह से जर्जर है, शर्मा छत नहीं आए। और हम शहर के सीधी जिला के वार्ड नंबर 7 में हम मौजूद हैं। वह बस्ती माँ, वह टोला मोहल्ला माँ जोने में हुआ एक ऐसा घर है जोने के तस्वीर देख के अपना के शायद मन सिहर जाए। मन माँ सवाल जरूर उठी कि सरकार सिर्फ लागत है कागज में विकास कह रही है, जमीन में नहीं। तो विन क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या सरकार के पोल खोले वाली एक बड़ी खबर के। हमारे साथ है, क्या नाम है अपना? बाबूलाल रावत। बाबूलाल भैया, चलिए दिखाइए अपना कहूँ अपन घर जो दिखावे जाए लागे। यह घर आए या जब से अपना पचे जाने लायक भी डाल के गिर गया है, बाल बच्चे लेकर ही परेशानी में रात बिताते हैं। सब बैठ कर कहीं बिरवा तार कहीं पौधा तार, बारिश होती है तो पूरा भर जाता है साहब। तो ये बिरवा तार जो पगारा बैठा वहाँ रात बैठ बैठ कर बिताते हैं हम लोग। और बाकी लाइट बत्ती कनेक्शन कुछ नहीं? कनेक्शन है साहब, बत्ती है। तो बत्ती चले तो हम कहा कि भैया कि अब हम घरे के अंदर चली लागे। और अपना कही घर की स्थिति अपना देख के अंदाजा लगा सकी थे कि हम पचे का आजादी सही सचमुच में आजाद है, सचमुच में कहा हम पचे आजाद हैं। यह घर बरसात में गिर गया रहा? नहीं, 2 साल हो गया सर। 2 साल कंप्लेन किए सबके लगे, कोई नहीं। 181 में हर की में कोई नहीं सुनने आया। कैसा गिर गया रहा घर? पानी बरसा था और पानी बरसने में वो कंदर दिया दीवार तो गिर गई। साहब गरीब आदमी नहीं मिल पाए, मजदूरी पाते हैं कहीं। अब मिल आवास उवास नहीं मिला अपना जी? नहीं मिला। कई एक दार अर्जी दे साहब, कुछ नहीं मिला। कहाँ कहाँ है? और साहब अप्लीकेशन देते हैं, कहीं मिलेगा मिलेगा साहब, नहीं देते हैं, ऐसे ना पड़े रहते हैं साहब। चलिए तो यह आए सच्ची हकीकत हुआ प्रधानमंत्री आवास के। हालांकि जो हाल है पूरी तरह से बेहाल है, पन्नी लगी एक मड़ई है जो ने माँ नीचे खटिया है, खटिया के माँ बिछी एक दरी है और वह दरी चीख चीख के कह रही है कि हमारे ऊपर पहुड़े वाला व्यक्ति बहुत परेशान है। ओके सर में जो छती है, छत है, वह कबो उड़ सका थी, कबो क्षतिग्रस्त हो सका थी। और स्थिति यह है कि यह घरे में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पानी भर जात है। अब जब पानी भर जात है तो सोची आखिर जाए तो जाए कहाँ, का गलती करे हैं कि इनका ये गलती के। कबो कबो मन नहीं लगे कि हम बच्चे कहाँ गलती करें कि हमें सजा मिल रही है? साहब गलती नहीं करें तो हमको कोई नहीं लगता है, कोई गलती नहीं की। तो काहे अपने साथ ये बर्ताव? सरकार कह रही है, पार्षद कह रहे हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं, नगर पालिका कह रही है, काहे ये में अपने साथ हो रहा है साहब? इसमें निवेदन अपना से है कि हम पंच निवेदन देते हैं, निवेदन मांगते हैं साहब, अप्लीकेशन देते हैं, कोई सुनाई नहीं होता। यही पैसा रुपया तो नहीं मांगे को? जी कोई नहीं मांगता पैसा, न पैसे मांगे न रुपया मांगे न कुछ ना देते हैं। कर रहा है जी, पैसा तो नहीं लागे, पैसा के ताके है कि पैसा दे ही तबे काम हो। तो हमने बताया गरीब आदमी, कहीं मजदूरी मिलता साहब, कहीं नहीं मिलता है। 4 बाल बच्चे हैं तो भी कहीं भूखा रह जाते हैं साहब। चलिए तो ये घर में कई जने रही थे? इसमें 4 आदमी रहते हैं, दो हम हैं, दो हमारे लड़के पतो। जी तो ऐसे नहीं खुले में रही थी? हम दो मियाँ हम रहते हैं, पतो लड़के अंदर में आते हैं साहब। वो पतो लड़का तो बाहर कहाँ करे, हम लोग परेशानी सहते हैं। हम कहें तुम ना सो, वो भी चूता था तो पन्नी लगा दिए हैं ले आए। चलिए तो साहब आपके हमारे सहयोगी शिवेंद्र अंदर आ में और ये घर के हाल दिखा दे। टूरी सर, घर के दरवाजा दिख ले, घर के हाल दिख ले। पात्र व्यक्ति हैं जे वास्तव में जिनका जरूरत है। बैठ जाए घर में, हाँ देख ले, दो थोड़ी लगी बड़ेरी टूटी हुई देख ले सर ऊपर, और जो गिर जाएगा तो हम लोग सब दब जाएंगे। वो दो ठे लगा है देख ले अपना। ये कब से अपना का ये समस्या है? ये समस्या 2-3 साल से, 2 साल से हो गया जी।
कोई नहीं सुनता साहब। एप्लीकेशन देते हैं 181 में लगाए, निवेदन दिया नगर पालिका में और परिषद से बोले तो भैया लाल बोला कि हम एक बार जिता दिए हो तो जिताओ, चाहे नहीं जिताओ हम नहीं करेंगे ना आएंगे जी। विधायक जी हरे इनके लगे नहीं गए, विधायक जी के लगे गए तो कुछ कहा बताओ नहीं क्या करिए जी, बात कहे ना अपन। हाँ बात बता नहीं, कहेंगे बन जाएगा हो जाएगा जी। तो कई बेगे उनके लगे वो मैं दो बार गए तो सिर्फ आश्वासन मिला जी जी, कुछ काम नहीं अब देख ली सब पर बिताए सांप बीच किरवाए रात उतरे देख ली ठाट बड़े से चारू कई टाटा गाड़ा वो कहाँ से सांप बीच अब चावे खा। चलिए या एक दीवालो अपना काम दिखाओ हमारा सहयोगी दिखा मैं हाँ वो बिल्कुल दिखा लागे या दीवाल के तस्वीर देखी ये केकर फोटो आए लगाए पेपर का लड़का लगा दिन साहब ले आए हैं ये देखी ये तस्वीर एक पुलिस है दो कांस्टेबल हैं नीचे भगवान श्री राम के दरबार के फोटो लगी है फेके नीचे एक हल चलावत किसान की फोटो लगी है और सबसे नीचे लगी है पीएम मोदी के फोटो जे ये कहा थे दावा करा थे कि हम हर गरीब के शर्मा छत दे रहन एक ऐसा आसियाना दे रहन कि जिनका डराए की जरूरत नहीं है बरसात में कि उनकर यह ठाट बडेरी गिर न जाए लेकिन का है हालांकि अपना कहा कहा है कि लड़का फोटो लगाए हैं किंतु सोची फोटो लगी है मगर योजना के लाभ नहीं आए। यह बताई कि अब का कहे चाहब सरकार से केहू से जे जिम्मेदार है उनसे का कहा साहब यह निवेदन कि घर मड़ाई बन जाए तो रहने का ठिकाना हो जाए साहब बाल बच्चे पाल सके नहीं तब फिर जी साहब यह निवेदन है। चली थी यह घर देख सकी थे घर में एक हम दिखाई दी डिश टीवी के छतरी लगी है ये जो वह बना है अपना के शौचालय तैयार को बनवाए रहे ए, आवास योजना वाले बनवाए हाँ जी है ना जी शौचालय बनवाई मगर घर का कौन घर कोई ठिकाना नहीं था। चली तो यह अपना देख सकी थे और यह दुर्दशा आए ग्रामीणन के उन लोगन के ये बेचारे बड़े आशा विश्वास के साथ मतदान करत हैं और यह मतदान करत जरूर हैं लेकिन उनका कबो कुछ एम से बेहतर नहीं मिले। अब अपना लगभग 3 साल से परेशान हैं घर गिरा है रहे के इंतज़ाम नहीं लेकिन अब करें तो करें का के जाएं कौने बाप के लगे अपन दुख रो में जो अपना के दुख दूर कह दे तो यह कड़वी सच्चाई है जेकर सरकारन का समझे का परी। एक बड़ी बात कही जा रही कि एक जने कौनो कांग्रेस के बड़े लीडर कह रहे कि 1 रुपया हम भेजी थे तो नीचे आवत आवत 25 पैसा बचत है 10 पैसा पहुँचत है लेकिन कांग्रेस भर नहीं भाजपा की है हाल है पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में हम सीधे सीधे कह सकी थे कि अपात्र लोगन का खुलेआम लाभ दीन जाला है जो पात्र हितग्राही हैं जिनके वास्तव में शर्मा छत के कोनो भरोसा नहीं है उनका सीधे ठगा जात है और केवल उनके साथ गंदा मजाक कीन जात है। तो वक्त है बड़ा जब मतदाता का एक बड़ा अधिकार है कि वो यदि अपन मत के सही प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर उनकर हालात दशा दिशा सब बदल सकत है। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम।